नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 मई दिन सोमवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग हुआ अलर्ट। अब सरकारी स्कूलों के रंग रूप में होगा बदलाव। बिहार में दुरुस्त होगी बिजली ट्रांसमिशन की व्यवस्था। प्रदेश में इस जगह पर मेघ गर्जन और तेज हवा को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बाइक इंश्योरेंस अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो इन बातों का रखें ख्याल। आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गृह मंत्रालय ने असिस्टेंट के पदों पर निकाली भर्ती। गृह मंत्रालय द्वारा असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 43 सीटों पर आई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2024 है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्र आपको इस वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en के जरिए मिल जाएगा, जिसे भरकर और मांगे गए जरूरी दस्तावेजों के साथ आप द ज्वाइंट डायरेक्टर ADMN DCPW MHA ब्लॉक नंबर 9 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 110003 पर भेज सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग हुआ अलर्ट। बिहार में हर साल बाढ़ को लेकर परेशानी देखने को मिलती है। इस बार बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो चुका है। विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही सभी जिलों को कहा गया है कि वे बाढ़ से विस्थापित होने वाले लोगों के आवासन, खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता और नाव की मरम्मत सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि हर साल बारिश के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर नाव भी खरीदा जा सके, इसके लिए सभी जिलों को राशि आवंटित हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों को खाद्यान्न और अन्य सामग्री व नाव के मरम्मत के लिए विभाग द्वारा 17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश के 29 जिले कई बार बाढ़ से प्रभावित देखने को मिलते हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे लाल पहाड़ी के बारे में। ये पहाड़ी लखीसराय जिले में स्थित है। इस पहाड़ी पर बौद्ध मठ और बौद्ध काल के कई पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों के अनुत्तर निकाय में भी देखने को मिल जाएगा। बिहार के CM द्वारा इसे राजकीय स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये देश का पहला ऐसा बौद्ध मठ है जो पहाड़ पर देखने को मिलता है। यहाँ से खुदाई में कई बौद्धकालीन खंडित मूर्तियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, चांदी की बाली आदि चीज़ें मिली हैं। यदि आप भी इस तरह के ऐतिहासिक स्थल पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों के रंग रूप में होगा बदलाव। शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवंटित हुए इन रुपयों से पटना जिले के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के 3,486 स्कूलों की आधारभूत संरचना में बदलाव करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा देने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से अब सरकारी स्कूलों का रंग रूप बदला हुआ नजर आएगा। आवंटित हुए इन रुपए से स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण, प्री फैब, मुख्य द्वार का निर्माण, स्कूल जीर्णोद्वार, बेंच डेस्क, फर्नीचर, मध्याह्न भोजन के लिए किचन सेड, स्कूल कैंपस का सौंदर्यीकरण और खेल का मैदान विकसित करने की तैयारी है। बाइक इंश्योरेंस खरीद रहे हैं बाइक इंश्योरेंस अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो इन बातों का रखें ख्याल। अब लोगों को घर बैठे ही अपनी बाइक बीमा करवाने की सुविधा मिल जाती है। घर बैठे लोग मोबाइल फ़ोन से बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए आसानी से अपनी बाइक की बीमा करवा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बाइक की बीमा करवाते वक्त हम कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं जिस वजह से गाड़ी का बीमा ठीक तरह से नहीं हो पाता है और ज़रूरत पड़ने पर यह बीमा काम भी नहीं आता है। इसलिए बीमा करवाते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है इंश्योरेंस का प्रकार। आपका इंश्योरेंस कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस है या थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी है। कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी के नुकसान के साथ ही खुद के नुकसान यानी बाइक को हुए नुकसान का भी कवर मिलता है। वहीं थर्ड पार्टी में केवल थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान या चोट का ही कवर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कि आपके दो पहिया वाहन की वैल्यू क्या है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज को जानना और समझना भी जरूरी है। साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली बीमा कंपनी के विश्वसनीयता को भी जान लें।
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तिथि। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा 3 दिन बढ़ा दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह के निर्देश के बाद परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा जारी हुई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा बताया गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से 4 मई तक परीक्षा फॉर्म भरने की निर्धारित तिथि थी। इसके बाद भी जिन बच्चों ने परीक्षा फॉर्म को नहीं भरा है वो अब लेट फाइन के साथ 7 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। लेट फाइन के रूप में बच्चों से 100 रुपये लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्तमान में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 10 मई से संभावित है। इस दिन 11 नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य लेंगे शपथ। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच बिहार विधान परिषद के 11 नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेने वाले 11 लोगों में मुख्य रूप से सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। बता दें कि 11 मई को बिहार विधान परिषद में 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। फिर 7 मई को ही बिहार विधान परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इन 11 सदस्यों में बीजेपी के 3, जदयू के 2, राजद के 4, भाकपा माले से 1 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 सदस्य शपथ लेने वाले हैं। तीसरे और चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के ये बूथ संवेदनशील हुए घोषित। 7 मई को बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान होने वाला है। इनमें मधेपुरा और खगड़िया 2 लोकसभा क्षेत्र के 167 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। जिन भी चुनावी बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है वहाँ पर दोपहर के 4 बजे तक ही मतदान चलेगा। बता दें कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के महिषी विधानसभा क्षेत्र में 107 बूथ को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। हालांकि मधेपुरा क्षेत्र के अन्य 207 बूथ पर मतदान शाम के 6 बजे तक होने वाला है। बात करें खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की तो यहां सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के 60 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है जहाँ शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा शेष 299 बूथों पर शाम के 6 बजे तक मतदान चलेगा। इसके अलावा बात करें चौथे चरण की तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 119 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है जहां पर मतदान शाम के 4 बजे तक होने वाला है। भूल कर भी ना करें एसी से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल। गर्मी शुरू होते ही कई घरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, लेकिन एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल करते वक्त हमें कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इनमें से एक है एसी से निकलने वाले पानी से सजग रहने की आवश्यकता। दरअसल कई लोग ऐसे होते हैं जो एसी से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल इन्वर्टर बैटरी में भी कर देते हैं। आपको बता दें कि एसी से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल इन्वर्टर बैटरी में करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रूप में काम करने वाला जरूरी केमिकल होता है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाटर और कई केमिकल का मिश्रण होता है जो लेड एसिड बैटरी के लिए जरूरी है, लेकिन ये केमिकल नहीं मिलने पर बैटरी आपकी खराब भी हो सकती है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सानंद वर्मा के बारे में। सानंद वर्मा एक भारतीय टीवी और फिल्म एक्टर हैं जो कि हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। सानंद एंड टीवी के शो भाभी जी घर पर है में अनोखे लाल सक्सेना की भूमिका में भी नजर आए, जिससे वो घर घर में जाने जाते हैं। सानंद टीवी के अलावा फिल्मों में भी दिखाई दे चुके हैं। इसके अलावा वो कई धारावाहिकों, फिल्मों, वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ विज्ञापन फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। सानंद कई सीरियल, वेब सीरीज और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। वो FIR में भी नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने मर्दानी और पटाखा जैसी कई फिल्मों में काम भी किया है। सानंद अजय देवगन की रेड फिल्म में भी नजर आ चुके हैं और उन्हें असली पहचान भाभी जी घर पर से ही मिली है। इसके अलावा सानंद अपहरण और सीक्रेट गेम्स 2 जैसे वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने अब तक लगभग 250 विज्ञापनों में काम किया है। बिहार में दुरुस्त होगी बिजली ट्रांसमिशन की व्यवस्था। बिहार में बिजली ट्रांसमिशन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए में से अधिक खर्च किए जाएंगे। दरअसल प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक सब स्टेशनों में लगे उच्च शक्ति के पावर ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने का फैसला बिजली कंपनी द्वारा लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 50 MVA, 100 MVA और 200 MVA के नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों को जोड़ने वाले 220 KVA और 132 KVA के आधा दर्जन ट्रांसमिशन लाइनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। बिजली कंपनियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 725 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग ने कार्यों के उपलब्ध करवाए हैं। आपके क्षेत्र में बिजली की कैसी व्यवस्था है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।
बिहार की मनीषा रानी के घर पहुंची फरहा खान। इंस्टाग्राम से प्रसिद्धि पाने वाली मनीषा रानी को बिग बॉस में जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान मिल चुकी है। अभी हाल में ही मनीषा रानी झलक दिखला जा के टॉप शो में विनर बनी थी। मनीषा रानी को उनके फैंस के साथ साथ कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। अभी हाल में बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फरहा खान मनीषा रानी के घर पहुंची, जहां वो अपने घर का बना खाना लेकर आई थी। फरहा ने मनीषा के लिए चिकन करी बनाई थी। इस दौरान फरहा ने कहा, पता नहीं तुम मुझे खाने दोगी या नहीं, इसलिए मैं खाना लेकर ही आई हूँ। वहीं मनीषा रानी ने फरहा खान के लिए बिहारी स्टाइल में प्याज के पकौड़े बनाए। प्याज के पकौड़े खाते ही फरहा खान ने मनीषा रानी के कुकिंग स्किल की खूब सराहना की। इस दौरान फरहा खान मनीषा रानी के लिए तोहफे में गणपति की मूर्ति भी लेकर गई थी। प्रदेश में जगह पर मेघ गर्जन और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी। प्रदेश में कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। बारिश के इस अनुमान के बीच किसान भाइयों को अपने फसल सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। प्रदेश में आज पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है और अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। प्रदेश में उत्तरी भाग में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र ने समर कैंप के लिए शेड्यूल किया जारी। समर कैंप के लिए श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये समर कैंप 15 मई से लेकर 1 जून तक के बीच में आयोजित होगा। इसमें क्लास 3rd से लेकर 12वीं तक के बच्चे अपने पसंदीदा हॉबी में भाग ले सकेंगे। ये समर कैंप 2 सेशन में होगा। इसमें मॉर्निंग सेशन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, तो वहीं दूसरा सेशन दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक चलने वाला है। ये समर कैंप के लिए 14 मई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। ये रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के तहत किया जा रहा है। इस कैंप में सारे मटेरियल्स विज्ञान केंद्र की तरफ से दिए जाएंगे। बच्चों को अपना सामान लाने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि लर्निंग विद आर्डिनो 15 से 17 मई तक, एस्ट्रोनॉमी 20 से 22 मई तक, इलेक्ट्रॉनिक्स भी 20 से 22 मई तक, मैथमेटिक्स 23 से 25 मई तक, बेसिक बायोलॉजी 23 से 25 मई तक, फिजिक्स 27 से 29 मई तक, रोबोटिक्स 27 से 29 मई तक होगी। पेंशन भोगियों के पेंशन से जुड़े काम होंगे आसान। पेंशन भोगियों के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू की है। आपको बता दें कि 5 बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट सर्विस को एक ही विंडो से बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड पोर्टल जोड़ता है। पेंशनर्स चाहें तो इस पोर्टल पर लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, मंथली सैलरी स्लिप चेक और फॉर्म 16 सबमिट कर सकते हैं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा एक बयान में कहा गया है कि पेंशन सर्विस को डिजिटल बनाने और पेंशन भोगियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये कदम 5 बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट सर्विस को उनकी सेवाओं के लिए एक ही विंडो प्रोवाइड करवाता है, जिसके तहत कई सुविधाएँ लोगों को मिलती हैं। पटना जिला क्रिकेट संघ संचालन समिति ने खिलाड़ियों को दिए सख्त निर्देश। खिलाड़ियों को पटना जिला क्रिकेट संघ संचालन समिति ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि गैर पंजीकृत टूर्नामेंट में खेले तो सो कॉज नहीं, सीधे कार्रवाई होगी। बता दें कि सख्त निर्देश संचालन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार और सदस्य रहबर आबदीन ने पटना जिला के क्रिकेटरों और क्लब पदाधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीसीए के अनाधिकृत यूनिट समेत किसी भी तरह के गैर मान्यता प्राप्त क्रिकेट आयोजनों से अपने आप को हर हाल में दूर रखें। अगर आप इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो क्रिकेट संचालन समिति अब कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगा, बल्कि सीधे कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिससे पटना क्रिकेट की विकास गति नहीं देखी जा रही है। उन्हें साफ सुथरा क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपना गोटी सेट करने से मतलब रहता है और ऐसे लोग जब भी सीजन आता है अपनी दुकान खोल लेते हैं। इनकी दुकान का ग्राहक बनने से आप बचें, ये आपके क्रिकेट करियर के लिए भी बेहतर होगा। किशनगंज की एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को दिया जन्म। किशनगंज से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां 20 साल की एक महिला ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म दिया है। 5 बच्चों को एक साथ जन्म देते ही ये मामला सभी के बीच चर्चा का विषय बन गया। मिली जानकारी के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। सभी बच्चे का वजन 1 किलोग्राम के करीब में है। महिला ठाकुरगंज कनकपुर पंचायत के जालमेकी गांव की रहने वाली है। इनका नाम ताहिरा है। इन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनके गर्भ में 5 बच्चे हैं तो ये सुनकर वो काफ़ी डर गई थी। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब बच्चों का जन्म हुआ और सभी स्वस्थ निकले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
अनंत सिंह के पैरोल पर बाहर आते ही बढ़ी सियासी सरगर्मी। बिहार में पैरोल पर 15 दिन के लिए अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही खूब सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा है कि अनंत सिंह पहले जब आरजेडी में थे तो उन्हें अपराधी कहा जाता था, लेकिन अब वो जदयू में चले गए हैं तो वो संत हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अनंत सिंह को लेकर कहा कि इन्हीं लोगों ने अनंत सिंह को बंद किया, इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डालकर केस बनाया था क्योंकि वो इनका विरोध करते थे, और अब ऐसे समय पर पैरोल मिलता है तो ये सोचने की बात है। पहले फंसाया गया, अब अपने उपयोग के लिए पैरोल पर रिहा करके वोट मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम नीतीश ने तेजस्वी को दी चेतावनी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में सीएम नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। सीएम नीतीश ने कहा, 17 महीने ये लोग सरकार में थे, किसी को कुछ देने का काम नहीं किया है, ये लोग खुद कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। आगे उन्होंने तेजस्वी यादव को चेताते हुए कहा कि चुनाव होने दीजिए, हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जाँच होगा। जब हमें गड़बड़ी का पता चला तो हम उनका साथ छोड़ दिए। पैरोल पर जेल से बाहर आए अनंत सिंह ने राजद और जदयू को लेकर दिया बड़ा बयान। पैरोल पर 15 दिन के लिए बाहर आए बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अपने विधानसभा के जनता से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने जदयू और राजद के कैंडिडेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र के कैंडिडेट ललन सिंह का समर्थन किया, साथ ही कहा कि इनकी लड़ाई किसी से नहीं है, अशोक महतो कौन है कोई नहीं जानता है। वहीं लालू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल जनता से मतलब है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। राजद के पूर्व नेता को AIMIM ने पाटलिपुत्र से बनाया प्रत्याशी। पूर्व राजद नेता फारूक राजा को पाटलिपुत्र सीट से असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशी घोषित किया है। पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में आते ही नेता फारूक राजा ने राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 20 साल तक राजद का झंडा ढोया हूँ, 2 महीने पहले AIMIM में शामिल हुआ हूँ, राजद परिवार की पार्टी ही बनकर रह गई है, राजद परिवार की ही पार्टी बनकर रह गई है, वहाँ कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था जिसके बाद AIMIM में शामिल हो गया। बता दें कि सीट से राजद से मिसा भारती और बीजेपी से रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में है। फारूक राजा ने मिसा भारती को लेकर कहा है कि वो पाटलिपुत्र से 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, इस बार फिर से हारने जा रही हैं। राजद का माई समीकरण का नारा पूरे बिहार में फ्लॉप हो चुका है। चुनाव जीतने के बाद मैं लोगों के बीच रहूंगा और उनकी समस्याओं को दूर करूंगा। पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की दी नसीहत। मोदी लहर पर पूर्णिया लोकसभा सीट से खड़े हुए निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी लहर समाप्त हो चुकी है, इस बार केंद्र में NDA गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। आगे उन्होंने इंडिया गठबंधन की चर्चा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़े, इस बार राहुल गांधी ही PM बनने वाले हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि PM मोदी की वैल्यू घट चुकी है, वो जमीन से गायब हो गए हैं, वे बस कॉरपोरेट घरानों में ही बच गए हैं। पप्पू यादव के इस नसीहत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL 2024 का 55वां मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद एक और जीत दर्ज करके प्लेऑफ के करीब पहुंचने के फिराक में रहेगी। IPL के इस सीजन में दूसरी बार दोनों ही टीम आमने सामने भिड़ेंगे। इससे पहले दोनों ही टीम का सामना IPL 2024 के 8वें मुकाबले में देखने को मिला था। 8वें मुकाबले के दौरान हैदराबाद ने 31 रनों से जीत दर्ज की थी। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। 6 मई वर्ष 1529 में घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए युद्धों में से एक था। ये युद्ध मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। आज के दिन वर्ष 1957 में चौधरी हरिराम और नगेंद्र नारायण दास के ऊपर फिर से चुनाव जीते। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति चुनाव के 2 कार्यकाल जीते थे। आज के ही दिन वर्ष 1967 में जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। आज के ही दिन वर्ष 2004 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना था। आज के दिन मोतीलाल नेहरू जयंती मनाते हैं। व्हाट्सएप पर इस तरीके से मिलेगा आपका पिछला सारा डेटा। व्हाट्सएप मैसेज के लिए सबसे बेस्ट और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म माना जाता है। यदि आप भी अपने व्हाट्सएप के पुराने सभी डेटा को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर जाकर इसके होम पेज पर ऊपर दाईं तरफ 3 डॉट को क्लिक करना होगा।
यहाँ आने के बाद आपको सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करना होगा, उसके बाद सबसे ऊपर अकाउंट का विकल्प मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आप रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही 3 दिन में आपका सारा डेटा आपको व्हाट्सएप दे देगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधु, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है रजिया बेगम, ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। इसका सही उत्तर है कमलजीत सिंधु। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 470 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 540 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 589 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी है 613 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है 540 ईस्वी पूर्व। किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है अशोक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है एम एन रॉय। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। चीन, मेसोपोटामिया और पर्सिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1920, ऑप्शन बी है दिल्ली अधिवेशन 1923, ऑप्शन सी है मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन 1931। इसका सही उत्तर है मद्रास अधिवेशन 1927। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जन के नाम है प्रमोद कुमार, मुन्ना प्रसाद, मनमोहन सिंह, राजपूत, ललन राज, राजकिशोर महतो, कृष्णा प्रसाद, गुनर शर्मा, साधुला पालवी, जितेंद्र ठाकुर, संजय कुमार वर्मा, विजय कुमार मंडल, पवन सिंह, शिव नारायण, सूरज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, रिंकी कुमारी, नौसाद रजा, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार आप गर्मी की छुट्टियां कहां मना रहे हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।